किसी दूर दराज मुल्क में एक खूबसूरत शहजादा रहता था जिसका नाम शहजादा आरिफ था। वो एक बहादुर, नेक दिल और रहम दिल शहजादा था। इसके वालिद बादशाह थे और उसकी माँ मलका हैं थी। शहजादा आरिफ अपनी सल्तनत के लोगों का बेहद ख्याल रखता था और हर वक्त उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। शहजादा आरिफ की सल्तनत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके मुल्क पर एक जालिम जादूगर ने हमला किया। इस जादूगर ने पूरे मुल्क को अपनी सहर अंगेजी से मुतासिर कर दिया और हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। लोग परेशान थे और अपनी हिफाजत के लिए दुआएं मांग रहे थे। शहजादा आरिफ को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने फैसला किया कि वो जादूगर का मुकाबला करेगा और अपने मुल्क को आजाद करवाएगा। वो अपनी तलवार लेकर निकल पड़ा और एक तवील सफर पर रवाना हो गया। रास्ते में उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। एक दिन वो जादूगर के किले तक पहुंचा। किला बहुत खौफनाक था और वहां हर तरफ सियाह बादल छाए हुए थे। शहजादा आरिफ ने अपनी तलवार निकाली और किले के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही जादूगर ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन शहजादा आरिफ ने अपनी बहादुरी और जहानत से जादूगर को शिकस्त दे दी। जादूगर की शिकस्त के साथ ही उसका जादू भी खत्म हो गया और मुल्क में फिर से खुशी का माहौल वापस आ गया। लोग शहजादा आरिफ की बहादुरी पर फख्र महसूस करने लगे। बादशाह ने शहजादा आरिफ को वली अहद मुकर्रर किया और मुल्क भर में उसकी बहादुरी की दास्तान सुनाई जाने लगी। शहजादा आरिफ ने अपनी जिंदगी में हमेशा इंसाफ, मोहब्बत और बहादुरी का मुजाहिरा किया और एक दिन वो खुद बादशाह बन गया। उसकी सल्तनत में हमेशा अमन और खुशहाली रही और लोग हमेशा उसके नेक अमाल को याद करते रहे।